think I lost that. Now let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शुएब अहमद है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट। अच्छा भाई, आज एक बड़ा अहम टॉपिक है जिस पे मुझे बात करनी है। वो टॉपिक है बाइनेंस लिस्टिंग वर्सेस बाइनेंस लॉन्च पैड टोकन। ठीक है, अक्सर लोग इसके बारे में पूछते हैं कि यार ये जो कॉइन नया नया आता है 12-12 हज़ार 10-10 हज़ार% बढ़ता है। जैसे पिछले दिनों एक DAR डार कॉइन आया था तो वो 13,000% बढ़ा हुआ था, तो सब स्क्रीनशॉट भेज रहे थे यार ये अपॉर्चुनिटी हमें क्यों नहीं मिलती, ऐसे हम क्यों नहीं कमा सकते। और फिर इस चक्कर में जो भी नया कॉइन आता है उसमें हाथ डाल देते हैं और फिर फंस जाते हैं। तो मैंने कहा इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को समझाऊं कि ये अपॉर्चुनिटी बेसिकली है क्या और किस तरह इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और क्या करना चाहिए हमें। ठीक है, इससे पहले थोड़ी सी मार्केट अपडेट देख लेते हैं। मार्केट इस वक्त 2.8 ट्रिलियन मार्केट कैप है टोटल इस वक्त कॉइन मार्केट कैप का। ठीक है, BTC इस वक्त 64,600 पे मौजूद है। कल तकरीबन इसी टाइम पे शाम को 6 बजे BTC ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया जो कि 69,000 था। कल ऑल टाइम हाई एक और बनाया BTC ने और उसके बाद रात 1 बजे तकरीबन $5,000-6,000 डाउन हुआ, 62,800 तक गया, जिसकी वजह से मार्केट पूरी जो है वो हिल गई है। ठीक है, इस वक्त भी BTC 64,800 पे है, इथेरियम 4,700 पे। कल इथेरियम ने भी अपना ऑल टाइम हाई बनाया। इसके अलावा BTC डोमिनेंस इस वक्त 43.1% है जो कि सुबह 43.5% थी। तो इस वक्त BTC की डोमिनेंस का कम होना आल्ट कॉइन के लिए हम सबके लिए बहुत अच्छा है। इसकी वजह यह है कि आल्ट कॉइन बढ़ेंगे जब BTC डोमिनेंस कम होगी। तो डोमिनेंस पे नज़र रखें, 35-36 तक डोमिनेंस आ सकती है अगले 1 महीने में और वहाँ पर ही हमें फिर आल्ट कॉइन बेच के बाहर निकलना है। उस डोमिनेंस पे हम आल्ट कॉइन में अच्छे फायदे में होंगे, हम आल्ट एक अच्छा रन देखेंगे अगर इतनी डोमिनेंस BTC की हो गई, मजीद 6-7% भी अगर गिरी। ठीक है, तो आल्ट इस पे डोमिनेंस पे हमें नज़र रखना है। डोमिनेंस बेसिकली है क्या कि BTC की होल्डिंग पावर कितने परसेंटेज पूरे कॉइन कैप में, कितना परसेंटेज BTC में होल्ड है। तो जब BTC से पैसा निकलना शुरू होता है तो BTC डोमिनेंस कम होती है और वो पैसा निकल के दूसरे कॉइन्स में जाता है जिन्हें हम आल्ट कहते हैं, BTC के अलावा जितने भी कॉइन है। ठीक है भाई, तो ये अपडेट है। आल्ट सीजन अब दोबारा से जो है तकरीबन समझ लें स्टार्ट होने ही वाला है क्योंकि हमने देख लिया है इथेरियम तो अपना ऑलरेडी एक रन कर रहा है, ऑल टाइम हाई रोजाना नया क्रॉस कर रहा है। BNB भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई टच कर चुका है, 685 पहले था और अभी भी 669-670 टच किया है BNB ने। इसके अलावा लाइट कॉइन को हमने देखा बहुत तेजी से अभी बढ़ा है, पिछले दिनों तकरीबन 100% अप गया है। सोलाना तो पड़ ही रहा है पिछले 2 महीने से कंटिन्यूसली और उसकी अपडेट और उसके फंडामेंटल्स की वजह से वो एक बड़े ज़बरदस्त रन पे है और इन फ्यूचर हम उसको $500 तक भी जाता हुआ देख सकते हैं। तो अब हमें आल्ट सीजन की कंफर्मेशन होती भी नज़र आ रही है इन पुराने कॉइन्स के बढ़ने की वजह से कि इथेरियम बढ़ रहा है, लाइट कॉइन बढ़ रहा है, डैश कॉइन बढ़ रहा है, जेड कैश बढ़ रहा है, इथेरियम क्लासिक भी अब बढ़ना शुरू होगा, थोड़ा बहुत बढ़ा है लेकिन इथेरियम क्लासिक को भी हम बहुत जल्दी फिर से 100 क्रॉस करता हुआ देखेंगे। लेकिन अब हमें जो है वो दूसरे कॉइन्स की अगर हम बात करें बहुत सारे जो अभी मार्केट में हैं तो जो भी हमने होल्ड किए हुए हैं या हम अभी बाय करते हैं तो इंशाल्लाह जल्दी हम उस पर प्रॉफिट मार्जेंगे। ठीक है भाई, तो अब अगला जो टॉपिक है हमारा मेन टॉपिक जो है वो है बाइनेंस लिस्टिंग कॉइन, यानी लिस्टिंग जो बाइनेंस लिस्ट करता है कॉइन को, जो पहले से बाहर एक्सचेंजेस पे होते हैं उन कॉइन को जब लिस्ट करता है बाइनेंस, और वर्सेस बाइनेंस लॉन्च पैड टोकन्स, लॉन्च पैड पे जो बाइनेंस के आते हैं यानी कि वो किसी और एक्सचेंज पे नहीं होते, वो अपनी प्राइवेट सेल ही बाइनेंस के लॉन्च पैड पे आके करते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है इंट्रोड्यूसिंग द FC पोर्टो फैन टोकन पोर्टो टोकन सेल ऑन बाइनेंस लॉन्च पैड। ठीक है, तो ये कॉइन लोग पूछते हैं यार ये लॉन्च पैड का टोकन है और ये जो आया है 13,000% बढ़ा है, जैसे पिछले दिनों डार कॉइन था 13,000% बढ़ा हुआ था। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि यार ये इस इतनी परसेंटेज आपसे हमसे कैसे मिस हो जाती है, हम भी इसमें डाल देते $100 तो आज हमारे $13,000 बन जाते, तो ये हो जाता तो हो जाता। तो मेरे भाई पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, लॉन्च पैड टोकन आपको बाय करना किस तरह है, बाय करने के मतलब कितने पैसे चाहिए कि लॉन्च पैड टोकन में आप घुस सकें। भाई अगर आपके पास 100 BNB है ना, कम से कम 100 BNB आपने होल्ड किए हैं 10 दिन के लिए जब ये ट्वीट आया था, तो 10 दिन के लिए अगर आप होल्ड करते हैं BNB तो आपको 100 BNB की जगह $100 का ये एलोकेशन मिलती है, यानी $100 का आप ये टोकन खरीद सकते थे। ठीक है, अब $1 का एक पोर्टो टोकन है इस वक्त IDO पे, तो अगर 100 BNB होते आपके पास और वो 10 दिन के लिए होल्ड करते तो $100 के ये 100 टोकन भी मिल जाते आपको। ठीक है,
अब ये आता है, लॉन्च होता है, शायद आज ही लॉन्च होने वाला है, 11 तारीख थी शायद इसकी। एनीवे ये जैसी लिस्ट होगा देखेंगे आप, 1000%, 2000%, 3000% बढ़ा हुआ होगा ये, ठीक है। और फिर आप बोलेंगे यार ये 3000% बढ़ा हुआ है। लेट सपोज किसी ने 100 BNP रखने के बाद उसको हिस्सा मिला $100 का, ये 100 टोकन का, और उसने ये जैसे ही मार्केट में आया 100 टोकन ही बेच सकता है। मतलब एक लिमिट भी है उसकी, ऐसा नहीं है कि उसने 100 BNP रखे तो वो अनलिमिटेड जाके खरीद सकता है और रातों रात मिलीनियर बन सकता है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो $100 के ही मिले। अब ये 25 पे जाए, 30 पे जाए, 15 पे जाए, 10 पे जाए, उसके $100 1000 हो जाएंगे या 1500 हो जाएंगे या 2000 हो जाएंगे मैक्सिमम, ये फायदा होगा उसको। कहने को तो मल्टीप्लाई बाय 20 हो गया उसका पैसा, लेकिन उसने उसके लिए $60,000 के BNB भी तो रखे हैं 10 दिन। अब अगर BNB इस दौरान गिर जाता थोड़ा बहुत भी 5-10% भी, तो 5-6 हज़ार का लॉस उधर हो जाता था उसको। तो भाई IDO जो है ना, ये जो लॉन्च पैड वाले टोकन है, 13-13 हज़ार, 15-15 हज़ार% बढ़ने वाले, ये हमारे आपके बस की बात नहीं है, ये उनका काम है जिन्होंने BNB $8 का खरीदा हुआ है। $8 का जब BNB था उस वक्त से खरीदे हुए हजारों BNB, और उन्होंने इसी काम के लिए रखे हुए हैं कि सिर्फ लॉन्च पैड पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये वो लोग ही उससे 1000, 2000, 3000 मैक्सिमम डॉलर इतने ही कमाते हैं, वो भी कोई लाखों डॉलर नहीं कमा देते खाली उसके लॉन्च पैड पे आने से, क्योंकि उनको इतना हिस्सा मिलता ही नहीं है। वरना बाय करने को अगर लिमिट ना हो कोई बाय करने की, तो सारा ही कोई भी वेल खरीद लेगी पूरा एक ही। ये जो लॉन्च पैड पे टोकन है इसकी सिर्फ 4 मिलियन की अभी सेल की जा रही है, 4 मिलियन, यानी इसका जो सॉफ्ट कैप है वो $4 मिलियन है। 4 मिलियन डॉलर का उन्होंने बेचना है, तो 4 मिलियन डॉलर का तो कोई एक भी वेल खरीद सकती है आराम से पूरा, तो फिर किसी के हिस्से में क्या आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसकी एक लिमिट रखी जाती है, थोड़ी थोड़ी सब में बांटा जाए, और वो भी उन लोगों को जिन्होंने BNB रखा हुआ है, इससे बाइनेंस को भी फायदा होता है। तो ये तो हो गया, ये हमारे बस की बात नहीं है लॉन्च पैड, तो बात खत्म। तो ये दिल छोटा मत किया करें 12-12 हज़ार% बढ़े हुए कॉइन देख के कि यार इनमें हमारे हमने क्यों नहीं लिया। और फिर इसको देख के आप नेक्स्ट लिस्टिंग में जब भी कोई भी कॉइन आता है आप उसमें 100, 200, 300, 500 डॉलर का रिस्क ले लेते हैं, वो टोटल गैम्बलिंग है, और वो उसके बाद आपके $500 समझ ले 50 हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं, क्योंकि वो उसी तेजी से नीचे भी आता है। आपको लगता है 13,000% बढ़ा है और ये भी बढ़ जाएगा जो नया टोकन है। अब आ जाते हैं लिस्टिंग की तरफ, ठीक है। लिस्टिंग वो है जो बाहर एक्सचेंजेस पे हैं कॉइन, और बाइनेंस के पास डिमांड आ रही है कि भाई इस कॉइन को भी लिस्ट करो, इस कॉइन को भी लिस्ट करो। बाइनेंस कम्युनिटी देखता है और फंडामेंटल्स देखता है पीछे, कि क्या कॉइन के क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या टीम है, किस तरह की कम्युनिटी, कितनी बड़ी कम्युनिटी, और उसके बाद बाइनेंस उसको लिस्ट कर देता है। या सपोज कह लें आपके कॉइन बेस पे अगर कोई कॉइन लिस्ट होता है तो वो बाइनेंस पे ऑटोमेटिकली आगे जाके आना ही होता है, बाइनेंस भी उसको ले ही आता है, ठीक है, बड़ी एक्सचेंज पे है ना कॉइन बेस, तो वो बाइनेंस भी उसको लिस्ट कर देता है फिर। तो ऐसे लिस्टिंग कॉइन का जब बाइनेंस ट्वीट करता है कि ये कॉइन हम लिस्ट कर रहे हैं 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद लिस्ट हो रहा है बाइनेंस पे, तो वो टोकन ऑलरेडी जिन एक्सचेंजेस पे होता है वहां बढ़ चुका होता है, वो उस ट्वीट के फौरन बाद 100-200% पंप हो जाता है। तो जब वो बाइनेंस पे लिस्ट होता है तो उसके बाद उसने सिर्फ गिरना ही होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि वो बढ़े, उसने गिरना ही होता है वहां आके बाइनेंस पे। लेकिन लोग न्यू लिस्टिंग के चक्कर में कि अभी अभी आया है बस फौरन से ले लो कुछ हमारा छक्का लग जाएगा, तो वो फेक आउट होता है चार्ट। अगर आप लॉन्च पैड टोकन का चार्ट देखें, अब देखें $1 का अगर ये भी टोकन है पोर्टो, ठीक है, ये लॉन्च पैड पे, लेकिन जब ये लॉन्च होगा एक्सचेंज पे और एक्सचेंज पे जब ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, ये सपोज $20 पे स्टार्ट हुआ, तो बाइनेंस दिखाएगा 2000% बढ़ा हुआ, वो रेट वो दिखाएगा जो लॉन्च पैड के मिनिमम रेट थे वहां से परसेंटेज दिखाता है वो। लेकिन लोगों को लगता है ये शायद अभी $1 पे गया था, आते ही लॉन्च हुआ $1 पे और हमने मिस कर दिया और ये 20 पे चला गया, 2000% बढ़ गया, ऐसा नहीं होता। वो बाइनेंस वहां के रेट दिखा रहा होता है, तो उसकी वजह से हमें परसेंटेजेस बहुत हाई दिख रही होती है, ठीक है। तो लिस्टिंग और ये वाले कॉइन्स इनमें हाथ नहीं डाला करें, इनको सेटल होने दिया करें पहले। जब ये चार्ट इनके सेटल हो जाए, ये कॉइन सेटल हो जाए, इसकी इन्फो पूरी आ जाए बाइनेंस पे, इसकी आपको सप्लाई पता चल जाए, इसकी कम्युनिटी पता चल जाए, इसके फंडामेंटल्स पता चल जाए, 1 महीना 1.5 महीने के बाद, तब जाके आप रिस्क ले सकते हैं कि हाँ यार ये अब बॉटम पे आ गया है, अब यहाँ से इसको लेना चाहिए। लेकिन लिस्टिंग में हाथ डालना टोटली गैम्बलिंग है, तो इसको मत गैम्बल किया करें इस चक्कर में कि यार ये 2000% बढ़ जाएगा। तो दिल छोटा ना किया करें, ये करने वाला कभी नहीं कमा पाता। तो ये जो दिखती है ना, ये सिर्फ फेक परसेंटेज दिखती है, ये वही लोग कमा रहे होते जिन्होंने IDO में खरीदा या फिर उन्होंने दूसरी एक्सचेंज पे पहले से वो कॉइन खरीद के रखा हुआ है जो बाइनेंस पे लिस्ट हो गया तुक्के में, उनको भी नहीं पता था, ठीक है, ये वही लोग कमाते हैं। लेकिन लिस्टिंग के बाद बाइनेंस पे कभी फौरन नहीं बढ़ता कॉइन।
तो भाई इतनी सी वीडियो बनानी थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि लॉन्च पैड वाले टोकन्स और लिस्टिंग वाले टोकन्स में हम अभी हाथ ना डाला करें, इसको सेटल होने दिया करें थोड़े टाइम के लिए, फिर उसके बाद उसके फंडामेंटल्स पता चल जाएं तो एक रेट सेटल हो जाए उसका, फिर उस रेट पर फिर हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इमीजिएटली डालना टोटली गैम्बलिंग। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। मैच भी शुरू हो गया है, पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल, और इस दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि आज अल्लाह करे पाकिस्तान जीते और फाइनल में पहुंचे। चले भाइयों मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।